स्टूडेंट्स इंग्लिश रीडियो गेटिंग सो लेट स्टार्ट हेयर इज अ स्वीट लिटल पेंगुइन कॉल पिंगो टेलिंग यू हाउ मिस ऑफ मैन आर अफेक्टिंग एवरी लिविंग बींग ऑन अर्थ यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये बेस्ड है हमारा ग्लोबल वार्मिंग यानी आजकल आप देख रहे हो हमारा एटमोसफियर जो है अफेक्ट हो रहा है इंसानों की गलतियों की वजह से यहाँ पे एक पेंगुइन है छोटी सी स्वीट सी पेंगुइन पिंगो जो बता रही है कि इंसानों की डीड्स यानी बैड हैबिट्स बैड चीजों के कारण जो इंसान कर रहे हैं जिससे कि हमारे धरती पे रहने वालों की लाइफ जो है अफेक्ट हो रही है इंसान पेड़ काट रहा है फैक्ट्री uh, से धुआं निकलता है पॉल्यूशन हो रहा है जिससे हमारा एटमोस खराब हो रहा है और इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो रही है सो लेट टू अ ग्रीन हाउस ऑन अ सनी सनी डे डे इट्स हॉट अगर ग्रीन हाउस में जाए तो क्या होता है सूरज चमक रहा तेज तो ऑब्वियस है बहुत तेज गर्मी लगेगी है ना दैट्स बिकॉज द ग्लास इन द ग्रीन हाउस ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन अब ग्रीन हाउस आपको पता है क्या होता है मे भी आपने पिक्चर्स देखी होंगी ग्रीन हाउस की ठीक है उसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं और मोस्टली इसकी दीवारें या जो रूफ होती है वो कांच या प्लास्टिक की बनी होती है ठीक है सो so अब जो ग्लास है ग्रीन हाउस का वो हीट को सन की हीट को ट्रैप करता है ठीक है और दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड डज द सेम इन द अर्थ एटमोसफियर इट एक्ट्स लाइक ग्लास इन अ ग्रीन हाउस जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास जो है हीट को ट्रैप करता है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है वही सेम जैसे ग्लास ग्रीन हाउस में ग्लास काम करता है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस अर्थ के एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस के एटमोसफेयर में वही सेम काम करती है बिल्कुल ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह काम करती है वो सन की हीट को ट्रैप करती है ठीक है पिंगो कह रहा है जैसे मेरे जैसे कि कि मेरे मेरे काम करते हैं जब मैं बिल्कुल ठंडे वेन आई एम स्विमिंग इन द वेरी कोल्ड सी बहुत ही ठंडे सी में जब मैं स्विमिंग करता हूँ तो मेरे फैदर्स जो काम करते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमोसफेयर में काम करती है फैदर्स क्या करते हैं माई फैदर्स की जो तो मेरे फेदर्स जो हैं जब मैं ठंडे चिल्ड सी में स्विमिंग करता हूं तो मेरे फेदर्स मुझे वार्म रखते हैं तो इसी तरह द कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लेनेट वार्म तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्लेनेट को अर्थ जो हमारी धरती है जिस पे हम रहते हैं उस प्लेनेट को वार्म रखती है विदाउट इट वी वुड फ्रीज अगर गर्मी नहीं होगी नेचुरल गरमाहट नहीं होगी तो क्या होगा हम फ्रीज हो जाएंगे एंड टू मच ऑफ इट मीन्स डेट वी बोल और अगर हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या होगा हो, तो हमेशा नुकसान करती है पीपल आर बर्निंग फ्यूज विद कार्बन एज देर मेन कॉम्पोनेट ऑयल गैस एंड कोल आर यूज इन कार्स एरोप्लेन पावर स्टेशन एंड सो ओन अब इंसान जो है आपको पता है कोयल फ्यूल यूज कर रहे हैं ठीक है और और एज अ कार्बन जो है एज अ मेन कंपोनेंट यूज कर रहा है वो कार्बन आपने देखा होगा ऑयल गैस कोल कार में एरोप्लेन में पावर स्टेशन पे हर जगह ये यूज किए जा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स मिक्सड विद ऑक्सीजन दैट वी ऑल ब्रीथ एंड सो एड्स टू आर ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स तो अब ये जो हम कार एरोप्लेन्स पावर स्टेशन में कोयल गैस और ऑयल ये सब हम यूज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है इससे जो है ये जब यूज करते हैं आप देखते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ये जो सारी कार्बन ये सारी चीजें जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं और ये क्या होता है एटमोसफेयर में जाके किससे मिल जाता है ये yes, ऑक्सीजन से मिल जाता है और जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन सांस लेने के हमें ऑक्सीजन लेते हैं ठीक है और जब हम छोड़ते हैं तो वो क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड सो एड्स टू अ ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम तो नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें जाके ये मिक्स हो जाता है और प्रॉब्लम करता है दिस वे द प्लैनेट्स गेट वार्म अ लिटल मोर और अगर हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो उससे क्या हो रहा है हमारा प्लैनेट ज्यादा वार्म होता जा रहा है ट हैपन्स नेक्स्ट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर पीपल और पेंगुंस कह रहा है, है तो इंसानो के लिए ये कोई खुशखबरी नहीं है ये जो प्रॉब्लम है ये हम सब के लिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है एटमोसफियर वार्म होता जा रहा है ये हमारे लिए एक तरह से वार्निंग है इससे क्या हो रहा है इससे जो आइस इज मेल्टिंग जो हमारी जो मेल्ट है आइसोपोलस यानी ध्रुवों के पास जो हमारी आइस है बर्फ है वो पिघलने लग रही है द आर्टिक सी आइस इज गेटिंग लेस एवरी इर्टिक सी जो है हमारा ठीक है उसका बर्फ वो आपको पता है आर्टिक सी का बर्फ जो है समुद्र है ये आर्टिक समुद्र का बर्फ जो है हर साल धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है एंड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्टिका माय होम इज लूजिंग आइस टू और जो इसका होम है अंटार्टिका यू नो अंटार्कटिका प्रदेश जो है वहां पे बर्फ ही बर्फ है तो वो बर्फ भी जो है जो इन पेंगुइन्स का प्लेस है इट इज दैट इट इज माय होम वो भी वहां पे मेल्ट आइस मेल्ट होती जा रही है बाकी के समुद्र जो सीज हैं जो नॉर्थ सीज हैं वो भी वार्म होते जा रहे हैं दिस मीन्स दैट द फिश विच नीड कोल्ड वॉटर्स है उससे क्या हो रहा है ये सारे अंटार्क्टिका की आइस है आर्टिक समुद्र की आइस है धीरे धीरे मेल्ट हो रही है तो इससे क्या हो रहा है जो मरीन लाइफ यानी समुन्द्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं ठीक है उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि जो फिशेस कोल्ड वाटर में रहती हैं ठीक है वो उन्हें वहां से मूव करना दे हैव टू स्विम नॉर्थ ठीक है और समुद्री जीव जंतुओं की लाइफ पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है बट फॉर यू पीपल इट विल बी मच वर्स तो आप ये जो पेंगुइन है वो कह रहा है कि लेकिन तुम इंसानों के लिए तो ज्यादा बदतर हालत हो जाएगी बहुत बुरी हालत हो जाएगी फॉर आ स्टार्ट ओल द आइस दैट मेल्टिल स्टार्ट टू फिल अप अंटार्कटिका जैसे अभी बताया आर्टिक्स की बताया तो मेल्ट होती जाएगी पोल्स है आइस ऑफ पोल्स है जो तो अगर जैसे धीरे धीरे मेल्ट हो रही है वो आइस तो वो उससे क्या होगा विल स्टार्ट टू oceans. जब वो पिघलेंगी तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा अब जब समुद्र का लेवल मेकदम ओवरफ्लो ऑन टू लैंड

और धीरे 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 क्या होगा पानी जो है अपना स्पेस लेना शुरू कर देगा ठीक है फैलना शुरू कर देगा लैंड और धीरे धीरे धरती पे फैलना शुरू हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र से धरती पे आना शुरू हो जाएगा और क्या होगा धीरे धीरे मोर सी एंड लेस लैंड इज फाइन फॉर फिश ज्यादा समुद्र अगर अब धरती जो है पानी से कवर होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे मैक्सिमम तो ज्यादा अगर समुद्र कम धरती फिश तो रह लेंगी अगर फिशो फिश तो फिश को तो लैंड की जरूरत नहीं है वो तो समुद्र में भी दे कैन लिव बट इट्स नॉट ऑल गुड फॉर पीपल क्या हम इंसान रह पाएंगे समुद्र में पानी में अगर धरती कम पड़ती जाएगी तो हम इंसान कहाँ रहेंगे एंड अदर लैंड एनिमल्स और जो एनिमल्स धरती पे रहते हैं सारे एनिमल्स तो पानी में रहते नहीं वो एनिमल्स और हम लोग कहाँ रहेंगे अगर हर जगह पानी होना शुरू हो जाएगा और धरती कम होती जाएगी सम ऑफ द लो लाइंग एरिया विच आर गुड फॉर ग्रोइंग फूड विल बी फ्लडेड फर्स्ट और कुछ निचले प्रदेश हैं जहाँ पे ये फसलें की खेती की जाती हैं ठीक है ठीके? खाना उगाने के लिए फसलें की जाती हैं खेती की जाती हैं क्या होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी सम ऑफ द बिगेस्ट सिटीज लाइक लंदन न्यू ऑरलैंड सॉरी न्यू ऑरलैंड एंड बैंकॉक विल गेट फ्लडेड टू और कुछ बड़ी सिटीज जैसे लंदन न्यू ऑर्लैंड और बैंको जैसे शहर भी जो है वो भी फ्लड आ जाएगा उनमें बाढ़ आ जाएगी पीपल गो हंगरी जब बाढ़ आ जाएगी तो फसलें नहीं उगेंगी फसलें नहीं उगेंगी तो हमें अनाज नहीं होगा अनाज नहीं होगा तो क्या होगा लोग भूखे मरेंगे द रियली सैड थिंग बी द पुअर पीपल विल सफर द मोस्ट और सबसे दुख की बात है कि गरीब लोग सबसे ज्यादा सफर करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा सबसे पहले गरीब लोगों पर इफेक्ट पड़ता है दैट्स रियली अनफेयर बिकॉज इट्स द पीपल इन रिच कंट्रीज हु हैव बीन द कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल वार्मिंग बट द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट बाय द पुअर और ये तो सबसे अनफेयर है बड़ी सैड की बात है कि गरीब लोग सबसे ज्यादा सफर करेंगे और ये तो इनजस्टिस है क्योंकि ये प्रॉब्लम किसके कारण हो रही है अमीर देशों के लोगों के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है अमीर देशों के लोगों के कारण हो रही है और उनका खामियाजा उनका रिजल्ट किनको भुगतना पड़ रहा है गरीब लोगों को नॉट ऑन वर्स इज येट टू कम अब पेंगुइन कह रहा है कि मैं तो मुझे तो डर है अभी इससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन आ सकती है इट हैज बिन फाउंड दैट एज क्लाइमेट वेदर इज गोइंग टू गेट मोर वर्लेंड अब ये भी देखा गया है कि जैसे 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 क्लाइमेट वार्म होगा वैसे वैसे मौसम का रुख भी चेंज हो रहा है ठीक है आपने भी नोटिस किया होगा कि कहीं बेमौसम की बारिश हो रही है कहीं सूखा पड़ रहा है तो जैसे जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वार्म हो रहा है वैसे वैसे, वैसे मौसम में भी चेंजेस आ रहे हैं एंड अनप्रडिक्टेबल हरिकनिक सॉरी हरिकेन द फॉर एग्जाम्पल विल बिकम मोर पावरफुल अ बिग बॉडी फॉर पीपल लिविंग इन द साउथ तूफान हरिकेन मींस तूफान फॉर एग्जाम्पल तूफान आगे ठीक है और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे अनप्रिडिक्टेबल मतलब मौसम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब तूफान होगा कब बारिश होगी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी किन के लिए स्पेशली लिविंग इन द साउथ ऑफ़ यूएस एंड द ट्रॉपिकल पैसिफिक और इंडियन ओशन एरिया लाइक फिलिपीन आईलैंड एंड बांग्लादेश और ये जो इन ट्रॉपिकल एरियाज में जो हैं पैसिफिक और इंडियन ओशंस हैं जैसे कि ओशन के पास एरियाज़ जैसे फिलिपीन हो गया आईलैंड बांग्लादेश तो यहाँ पे कंडीशन जो है और ज्यादा चिंता करने वाली हो जाएगी डेजर्ट्स आर इंक्रीजिंग एंड प्लेसेस लाइक द ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका विल गेट ड्रायर डेजर्ट की डेजर्ट्स जो है और बढ़ते जाएंगे ठीक है पानी कम होता जाएगा तो डेजर्ट भी बढ़ेंगे ठीक है डेजर्ट बढ़ेंगे और प्लेस लाइक ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका यहाँ तक कि जो अमेरिका में कई ग्रेट प्लेन प्लेसेज हैं वो भी वो भी क्या हो जाते हैं ड्राई हो जाएंगे यानी वेदर चेंज होगा तो सिचुएशन जो है कंडीशन ऑफ सम प्लेसिस वो भी चेंज हो जाएगी डेजर्ट बढ़ जाएंगे अमेरिका के कई प्लेसेस जो है ग्रेट प्लेन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सूखा मतलब ड्रायर होते जाएंगे रेन विल भी हैवियर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो डैट देयर विल बी मोर फ्लड्स आप कई प्लेसेस ड्राई होते जाएंगे कई प्लेसेस में तो कई में क्या होंगे वर्ल्ड के कई पार्ट्स में फ्लड्स आएंगी बाढ़ आएगी दीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और ये सब चीजें आपने देखा होगा न्यूज में भी दिखाते हैं ये चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, कई आप देखते होंगे न्यूज में अनप्रडिक्टेबल यानी कि हम पहले तो जैसे कि हम प्रिडिक्ट करते थे कि आज यहां बारिश होगी यहाँ सूखा पड़ेगा या यहाँ पे ये होगा लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स वेदर चेंज होता जा रहा है तो ये वेदर में चेंजेस भी अब जो है प्रेडिक्ट करना उनके बारे में भविष्यवाणी करना मौसम विभाग के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है लॉर्ड्स ऑफ पीपल हैव स्टडीड द क्लाइमेट अराउंड द वर्ल्ड। काफी लोगों ने ये वर्ल्ड के वर्ल्ड में जो क्लाइमेट है उसके बारे में स्टडी की है कि संसार के मौसम के बारे में क्लाइमेट के बारे में लोगों ने काफी रिसर्च हुई है really क्लाइमेट जो है, जो है चेंज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑल कंट्रीज इन वर्ल्ड केम टूगेदर इन बिग कॉन्फ्रेंस एट इन जापान तो अब जब उन्हें पता लग गया था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इस पे उन्होंने बात करने के लिए यहाँ एक कॉन्फ्रेंस वो की गई करेगी ठीक है जापान में प्लेस है जापान में वहां पे ये अरेंज की गई कॉन्फ्रेंस हेयर दे बिगे टू ट्राई एंड अग्री व्हाट टू डू अबाउट क्लाइमेट चेंज यहाँ पे उन लोगों में डिस्कशन हुआ उन्होंने कोशिश की क्लाइमेट चेंज के बारे में कि इसके बारे में कुछ किया जाए लॉट ऑफ प्रोमिस बट कंट्रीज गुड एट केयरिंग देम आउट काफी आपस आप में वादे किए गए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ सिंस देन एविडेंस ऑफ चेंजेस है तब से जो है ये चेंजेस होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं ठीक है द आइस शीट्स इन बोथ द आर्टिक एंड अंटार्क आर मेल्टिंग आर्टिक और अंटार्कटिक में जहां पे आइस शीट्स हैं ठीक है और वो भी जो है वो मेल्ट होती जा रही है। you know, हैं यू नो अंटार्कटिक और आर्टिक में आइस की शीट्स हैं तो बर्फ की परतें जो हैं वो भी मेल्ट हो रही हैं और तेजी से मेल्ट हो रही हैं और वो जब मेल्ट हो रही हैं तो सी लेवल्स आर राइजिंग तो समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर आर राइजिंग स्पेशली इन द एंड आर्टिक्टिक और फिर आर्टिक और अंटार्क में टेम्परेचर भी राइज हो रहा है ग्लेशियर्स ऑन अदर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेल्टिंग वेरी फास्ट स्पेशली इन द हिमालयस और जो माउंटेन्स पे पहाड़ों पे ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं स्पेशली हिमालय पे